गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज 15 नवंबर और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें वीडियो को। तो चलते हैं आज की अपडेट क्या है। 15,000 की जरूरत, 1500 शिक्षक, 75,000 बच्चों का भविष्य अदर जोल में, विशेष योग्यजन शिक्षा पर असर, शिक्षकों की कमी से पढ़ने समझ में आ रही है दिक्कत, सामान्य बच्चों के सीख रहे ज्ञान मुश्किल हो रहा है समझना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर चयन तथा निर्णायक मंडल में अनुभवी शारीरिक शिक्षक बाहर। नेक्स्ट अपडेट क्या है, चलते देखिए। 2 महीने बाद भी पीएचडी में प्रवेश नहीं, जेएनयू ने अगस्त में घोषित किया था प्री पीएचडी का परिणाम। यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड जारी, 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच होगी परीक्षा, राजस्थान में 9 सेंटर पर होगा आयोजन। शिक्षा विभाग की ओर से अक्टूबर माह की रैंकिंग जारी, एक पायदान लुढ़क कर 4th स्थान पर पहुंचा चित्तौड़, संभाग में पहला। जनवरी से अक्टूबर तक उदयपुर टॉप, 20 में भी नहीं बन पाया स्थान। विश्वविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स अकाउंटिंग पूर्वाध की कल की परीक्षा स्थगित, व्यास विश्वविद्यालय, परीक्षा 18 नवंबर को होगी। दोस्तों, अगर आपसे संबंधित कोई भी अपडेट है तो आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। 18 दिसंबर को होगी सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग। संयुक्त शिक्षा सचिव ने दिए निर्देश, निदेशक को निर्देश, वर्ष 17-18 की डीपीसी में चयनित प्रधानाध्यापक बन सकेंगे प्रधानाचार्य। नेक्स्ट है, आज से 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे स्कूल, स्टाफ को वैक्सीन लगवाना भी अनिवार्य। पुरुषों से अधिक महिलाओं ने दी परीक्षा, यूपीएससी में पहली बार लड़कियों ने उत्साह से दी एनडीए की परीक्षा। नहीं बनी सहमति, खामियाजा भुगत रहे विद्यार्थी, नए सेमेस्टर और नहीं पाठ्यक्रम फाइनल, बार बार स्थगित हो रहे एकेडमिक काउंसिल की बैठक। संयुक्त शिक्षा सचिव ने दिए निदेशक को निर्देश, वर्ष 17-18 की डीपीसी में चयनित प्रधानाध्यापक बन सकेंगे प्रधानाचार्य। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की तीमारदार बनेगी सरकार, खुद कराएगी स्वास्थ्य जांच के साथ मुफ्त उपचार। पोर्टल पर अटके 34,000 से अधिक छात्रवृत्ति आवेदन, होनहारों को कैसे मिलेगा हक। शिक्षक करेंगे बच्चों की जांच, जरूरत पर भेजेंगे अस्पताल, गैर शैक्षणिक कार्यों की बढ़ती संख्या पर रोष। नहीं बनी सहमति, खामियाजा भुगत रहे विद्यार्थी। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची जारी। जेएनयू 2 महीने बाद भी पीएचडी में प्रवेश नहीं, अगस्त में घोषित किया था पीएचडी का परिणाम, 341 सीटों पर विद्यार्थियों को मिलना है प्रवेश। सीएम बजट घोषणा में खुले नए स्कूल व कर्मोन्नत स्कूलों में नामांकन ही नहीं, प्रदेश में नवीन व कर्मोन्नत 107 स्कूलों में महज 84 विद्यार्थी नए जोड़े। कॉलेज परिसर में कुछ छात्रों को नमाज पढ़ने से रोकने पर उठा था विवाद, राजस्थान कॉलेज में नमाज पर राजनीति, एबीवीपी एनएसयूआई आमने सामने। कॉलेज प्रशासन बोला शैक्षणिक संस्थान में नहीं मिलेगी ऐसी अनुमति। प्रोफेसर सहित विभिन्न पदों पर नौकरी के अवसर, संघ लोक सेवा आयोग, 2 दिसंबर अंतिम तिथि। एसएससी एमटीएस 2020 प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी, आरजीएनयूएल 40 पदों के लिए निकली भर्ती। शिक्षा की लौ जले तो फैले ज्ञान का उजियारा, शिक्षा व सुविधाओं का तरसता बचपन। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। शिक्षा से दूर कारखानों में पिस रहा बचपन, बाल दिवस आज, 2 साल में 2,333 बच्चे बाल श्रम से मुक्त करवाए। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।